नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ड्रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की। अब तक हम लोग इसमें अपना एक पिछले वीडियो में हमने एक व्यू क्रिएट किया था, जिसके थ्रू हम लोगों ने कैटलॉग बनाया था अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, तो उसका कुछ डिज़ाइनिंग इश्यूज था, तो कुछ इस टाइप का मैंने कोड किया हुआ है। इतना ज़्यादा मुझे CSS नहीं आता, तो ये थोड़ा CSS है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी करनी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ ऐड टू कार्ट की जो एक ऑप्शन आ रहा है, वो हमें यहाँ नहीं दिखाना। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जाते हैं ऐड टू कार्ट में, और लेबल नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से लेबल हम हटा देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस तरीके का। अब हमें ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इसको हम अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अ क्लास टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम लोग अपनी फाइल में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा। ठीक है, और अब इसमें टाइटल को भी हम लोग सेंटर में कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग ऐड रूल टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, इस तरीके से। और इसको भी हम लोग अपने CSS में रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपको सही लगे आप उस टाइप की CSS कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सेट। तो ये हमारा फुल जैसा हमें चाहिए था इस तरीके का, वो हमारा बन गया फुल। ठीक है, कुछ इमेजेस में अच्छी नहीं है जो कि ये है, इसमें हम लोग बाद में रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा। ठीक है, ये इसमें स्क्रॉल भी वर्क कर रहा है, ये देखिए। एक बार फिर चेक करते हैं व्यू में, ये देखिए स्पीड्स में लोड हो जा रहा है। ठीक है, नीचे लोड हो रहा है लेकिन समझ उतनी तेज़ी से लोड हो रहा है पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो वो लोड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बार में हमने केवल 12 आइटम दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल 12 आइटम, उसके बाद ये देखिए लोड हुआ इसके बाद। तो अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हम जो हमें बात करेंगे वो रहेगा कि जैसे हमने ये बना लिया और यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट करते समय यहाँ पर देखिए हमारा ऐड टू कार्ट हुआ और ये हमारे कार्ट पे चला गया। ठीक है, तो ये हमारे कार्ट पे चला गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम जैसे कि अगर हम यहाँ अपडेट करते हैं कुछ, तो ये पूरा पेज रिफ्रेश होता है, उसके बाद अपडेट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एक नए मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, वो रहेगा कॉमर्स कार्ड एजेक्स। ठीक है, कॉमर्स कार्ड एजेक्स के थ्रू देख लेते हैं मॉड्यूल पहले। ठीक है, ये है ड्रूपल का कॉमर्स कार्ड एजेक्स। ठीक है, तो इसमें आपको एक फंक्शनैलिटी मिलेगी कि विदाउट रिफ्रेश आपका जो कार्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, तो पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ड्रेस के थ्रू कर लेते हैं। आपको अगर मैनुअल करना है तो आप डाउनलोड करके डायरेक्टरी में रख के इसको इनेबल करेंगे। ठीक है, कॉमर्स कार्ड एजेक्स। ठीक है, इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब हम अब अगर हम यहाँ पर कोई एंट्री करेंगे तो अपडेट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने एक बूटस्ट्रैप का थीम यूज़ किया हुआ है, तो हमें एक और मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, जिक्वेरी अपडेट। ठीक है, उसमें हमें जिक्वेरी का वर्ज़न भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने जिक्वेरी बूटस्ट्रैप यूज़ किया है तो जिक्वेरी अपडेट ड्रूपल यूज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
है, इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं एक बार। 1.10 है, ठीक है। तो अगर कोई इशू आएगा तो हम अल्टरनेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक। और देखिए अभी ये क्रॉस होने लगा, ठीक है। हम ऐड टू कार्ट करते हैं, अब कार्ट पे चलते हैं अपने, और यहाँ पर हम वन वैल्यू अपडेट करते हैं, तो ये भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो एजेक्स की एक फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया था, कॉमर्स कार्ड एजेक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें एक ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, ये ब्लॉक पे हमें जाना पड़ेगा। ब्लॉक में जब जाएंगे तो आपको एक साइड बार का कॉमर्स कार्ड का एक ब्लॉक मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ब्लॉक है कॉमर्स कार्ड, इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने। अच्छा, किस पेज पे हम लोग यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे कार्ड के पेज में, फ़िलहाल के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको साइड बार फर्स्ट में यूज़ करते हैं, अभी फ़िलहाल ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक शॉपिंग कार्ट का आया, व्यू कार्ड, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉपिंग कार्ट का एक ब्लॉक आ गया, ठीक है। यहाँ से आप चेकआउट करेंगे तो देखिए आपको चेकआउट में ले आया इधर पे। ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, अभी हमने पेमेंट मेथड पे कुछ किया नहीं है, ठीक है, बाद में करेंगे। तो ये शॉपिंग कार्ट का मतलब एक ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, और व्यू जब करेंगे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ इसमें भी चेक करते हैं, ऐड टू कार्ड, कार्ड पे गया, ये देखिए यहाँ पर एजेक्स चल रहा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या इशू है। देखिए विदाउट पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। देखिए जी क्वेरी यहाँ पर 1.9 है, ठीक है, बाकी सब वही है, ठीक है। तो हम लोग ये चेंजेस कर लेते हैं अपने में, कभी कभी ये इशू आ जाता है, वर्ज़न का इशू जी क्वेरी का रहता है हमेशा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कार्ट पे, कार्ट एम्प्टी है तो हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। कार्ड चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में दोस्तों क्या था कि कार्ड जो हमारा एक शॉपिंग कार्ड का एक ब्लॉक जो हमें मिल गया, जब हम लोग ऐड करेंगे शॉपिंग कार्ड, तो इस तरीके से हमें लेफ़्ट साइड में ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक चेंज और हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, कि जो हमने अभी एजिक शॉपिंग कार्ट किया था, वहाँ पर हमें एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। एजेक्स जो हमने ऐड किया था, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे आप और एडवांस में जाएंगे, तो यहाँ आपको यस करना है एजेक्स में, ठीक है। ये एजेक्स आपको यस करना है, ठीक है। तो आप उसको सेव करेंगे,
अब आप यहाँ वापस आएंगे, अब अपडेट करें। देखिए एजेक्स काम कर रहा है अब, ठीक है। तो ये इशू था कि मतलब वहाँ हमें जो हमने अपना व्यू पाया है जो एजेक्स के थ्रू जो हम लोग का ये जो व्यू आता था, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एजेक्स यस कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। वो हमने नो किया हुआ था इसलिए वजह से हमारा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये एजेक्स यस यस हो गया हमारा, तो अब एजेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू हमारा विदाउट पेज रिफ्रेशिंग हम अपने वो कर सकते हैं। एक काम और करते हैं दोस्तों कि बार बार हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने जो अपना कैटलॉग बनाया था इसमें मेन्यू प्रोवाइड कर देते हैं, और वो मेन्यू टाइप रहेगा हमारा नॉर्मल मेन्यू एंट्री, ठीक है। और यहाँ पर हम जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं मैन मैंस शूज़ लिख देंगे, चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि हम बार बार हमारा मेन्यू ऐड हो जाएगा, तो हम सिंपली वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई सेटिंग, नेविगेशन हमारा मेन मेन्यू नहीं रहेगा, ठीक है, और सेव, और ज़ीरो ज़ीरो नहीं रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि वेट एक ज़्यादा रहेगा, होम के बगल में आएगा, ठीक है। तो सेव करते हैं, ये हमारा आ गया मैन शूज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा सीधा, अब ये शॉपिंग कार्ट हमारे यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, हमारा थोड़ा लेआउट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं कि यहाँ इस पेज पे हम शॉपिंग कार्ट ना दिखाएं तो भी चल सकता है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये URL यहाँ दिखा देते हैं। अगर आपको शॉपिंग कार्ट दिखाना है तो आपको थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी लिस्टिंग हो गई, और हमारा जो एजेक्स शॉपिंग कार्ट जो हमारा था, जो हमारा कॉमर्स, कैसे हम अपने ड्रूपल में कॉमर्स कार्ट, एजेक्स कॉमर्स शॉपिंग कार्ट कैसे इंस्टॉल करें, एजेक्स शॉपिंग कार्ट कैसे इंस्टॉल करें वो था। जैसे कि एग्जांपल के लिए फिर एक बार करते हैं, तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट जब करेंगे तो हमारे जब कार्ट पे जाएंगे तो यहाँ हमारे ऑप्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पर अपडेट जो विदाउट रिफ्रेशिंग, यही एक फीचर है कॉमर्स कार्ड एजेक्स के थ्रू, हम विदाउट रिफ्रेश अपना कार्ड अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे को ब्लॉक मिल जाएगा बगल में, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।